हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को घुमाने चलेंगे लेकर के बुद्ध भगवान की 80 फीट की जो मूर्ति है वो, और उसके बाद यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध नौलखा मंदिर है, जो कि नौलखा मंदिर ले चलेंगे। हालांकि नौलखा मंदिर कभी नहीं गए, बुद्ध भगवान की तो जो 80 फीट का मूर्ति वहाँ पे गए हैं और घूमे भी हैं, लेकिन नौलखा मंदिर कभी नहीं गए हैं। हालांकि नौलखा मंदिर में एंट्री करने से पहले जूता वगैरह खोल के जाना होगा, और जूता पहने हुए हमें तो जूता खोलने में परेशानी होगा हमें, लेकिन फिर भी जूता खोल करके हम आप लोग को आज दिखाएंगे मंदिर और पूरे अच्छी तरह से दिखाएंगे। तो बस हमारे ब्लॉग पे बने रहें और देखते रहें। तो यही रास्ता है बुद्ध भगवान का 80 फीट वाला जो मूर्ति बना हुआ, उस रास्ते के जाने के लिए, और उस रास्ते में हम इन कर लिए हैं, जा रहे हैं वहाँ पर। हम हैं और एक और दोस्त मेरा है, रवि भाई है, तो दोनों मिलकर चल रहे हैं साथ में। मंदिर के पास पहुंचते हैं और उसके बाद वहां पे देखते हैं कि हम तो एक बार गए थे बहुत पहले, आज नहीं लग तकरीबन 10-12-15 साल के आसपास पहले गए थे हम, 15 साल पहले गए थे। लेकिन उस समय बहुत अच्छा अच्छा चीज़ वहां, बहुत बड़ी मूर्ति था और बहुत बड़ा तालाब है, इस तरह का मछली भी उसमें बहुत बड़ा अच्छा था, तो वहाँ पर देखने को मिला था। इसे तो देखते हैं, पता नहीं, ज़्यादातर के यहाँ पर मोबाइल यूज नहीं होता है, मोबाइल जाने के लिए नहीं दिया जाता है। हम हो चाहे कोई, जैसे मैं आप लोग हैं उसी तरह से हम लोग भी फॉलो करते हैं, जहाँ पे वर्जित है वहाँ पे कभी मोबाइल को नहीं ले जाते हैं, जमा करके ही जाते हैं। लेकिन देखते हैं, कोशिश करेंगे दिखाने को। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। भाई अभी जा रहे थे मंदिर की तरफ और देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे मिले हैं जो कि महाराष्ट्र से हैं। पूछे हैं तो महाराष्ट्र कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र अकोला। तो यहाँ घूमने आए हैं जी? और अकेले नहीं, साथ में ग्रुप है हमारा। अच्छा, ग्रुप के साथ में आए हैं। तो यहाँ क्या क्या घूमने के लिए, मतलब यहाँ पे सबसे पहले मंदिर वंदिर सारे देखेंगे, बाद में फिर नेपाल जाएंगे हम। अच्छा, नेपाल भी चलेगा। हाँ। चलिए ठीक। देखिए मंदिर के रास्ते हम लोग इन कर गए हैं और चलते हैं मंदिर के तरफ। जो अभी हम आपको दिखाना चाह रहे थे बड़ी वाली मूर्ति, वो सामने मूर्ति दिख रहा है, लेकिन ये नहीं, आपको और चलते हैं, ये बिल्कुल जो है नज़दीक लेकर चल के दिखाएंगे। 80 फीट का मूर्ति, क्या चीज़ बोले? फोटो खींच सकते हैं ना? हाँ, फोटो खींचने के लिए तो आए यार, दिखाने के लिए हम अपना ऑडियंस को कि देखे, और नहीं तो हमको घूमने से क्या फायदा, हम तो घूम ही रखे हैं सब जगह से। देखिए विदेशी लोग भी यहाँ पे आते हैं, विदेशी बहुत सारे यहाँ, तो खैर बोध गए हम जो है विदेशी ही ज्यादातर के मिलेंगे, इंडियन से ज्यादा विदेशी लोग मिलेंगे। और ये देखिए मूर्ति जो है, बिल्कुल इसकी हाइट 80 फीट का है, कैमरा कवर नहीं कर रहा, इतने दूरी से हम कैमरा को ले रहे हैं तो कैमरा कवर नहीं कर पा रहा है, बुझ लीजिए। ये मूर्ति का बुद्ध भगवान है और यहाँ का व्यू देखिए इस तरह का है, ये बिल्कुल व्यू देख रहे हैं इस तरह का है यहाँ का मंदिर का व्यू का सामने। और साथी भी आया, देखिए अभी वीडियो बना रहा है, और देखिए इधर लोग घूमने के लिए जाते हैं, ये मेन रास्ता है जिसे हम इन कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो गाइज देख लिए फाइनली, जो यहाँ तक 80 फीट का जो मूर्ति बुद्ध भगवान का था वो हम विजिट कराएं और घुमा भी दिए। आइए आइए, कहाँ थे आप? फोन करें हमसे, आप अपना पोस्ट पे हैं। हमारे भाई पिंकू सिंह आए हैं, ये भी ड्यूटी में यहाँ बगल में ही थे, तो ये भी मंदिर घूमने के लिए आ गए, और देखिए ये फोटो ले रहे हैं, देखिए फोटो खींच रहे हैं, हैं 80 फीट का, वाह कितना अच्छा आ रहा है, यहाँ से इतना बढ़िया ले लिए। 80 फीट का है ये, बोधगया में प्रसिद्ध जगह है। हाँ, आपको भी आना है तो आ सकते हैं घूमने के लिए। घूमने के लिए जब मौका मिले बिल्कुल आइए, एक बार आइए देखिए, क्योंकि पूरे देश का लोग यहाँ पे आता है। देश, क्या देश तो बहुत दूर की बात है, विदेशी लोग भी यहाँ। हाँ, पूरे ऑल, जहाँ तक है वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं सभी जगह के लोग आते हैं, तो आप भी घूम सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे दिखे भी हैं, दिखाने की कोशिश भी करेंगे, बांग्लादेश का कुछ थे, कुछ श्रीलंका के थे, कुछ भूटान के थे, ऐसे ऐसे लोग हैं, और दिखाएंगे भी आपको वीडियो में, बस वीडियो पे रहिए। तो गाइज अभी आपको हम 80 फीट का मूर्ति बुद्ध भगवान को दिखा दिए, अब सीधे ले चलते हैं आपको नौलखा मंदिर, जो कि हम तो अभी नहीं गए हैं कभी, बोध गया एक दो बार आए थे लेकिन नौलखा मंदिर कभी नहीं गए हैं। हमारे भाई पिंटू हैं साथ में, पिंकू भाई साथ में हैं, यही बोल रहे हैं कि चलिए यहाँ का सबसे प्रसिद्ध नौलखा मंदिर है और वहाँ पर ले चलिए और वहाँ पर चल के घूमिए। तो वहाँ पर चल रहे हैं, हम भी घूमेंगे और आप लोग को भी घुमाएँगे। तो चलते हैं नौलखा मंदिर की तरफ।
तो अब देखिए नौलखा का, नौलखा मंदिर का मेन गेट पे आए हुए हैं, जो कि मेन गेट इस तरह का व्यू है, देख सकते हैं। और उसके बाद अब मंदिर ले चलते हैं, आपको मंदिर का सीन दिखाते हैं। चलिए भैया, देखिए अब मंदिर का सीन दिखाते हैं। हालांकि आपको दिखाने के लिए, पूरा अच्छी तरह से सीन दिखाने के लिए हमें बूट उतारना पड़ेगा, जूता खोलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जूता खोल लेंगे, लेकिन आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरह से आज यहाँ पे दिखाएंगे। हम भी नहीं आए हैं ना कभी, इसलिए हम भी देख लेंगे। तो ये अंदर आ गए हम लोग, और जस्ट बगल में देखिए किस तरह का बना हुआ है, पार्क टाइप का है। और इधर बैठने के लिए है, इधर जानकारी, और देखिए उधर पानी वगैरह है, यहाँ सारे ये किस तरह से बना हुआ है। और मंदिर का देखिए ये मेन गेट है, जो कि मंदिर इन कर देंगे यहाँ से। यहीं पे जूता उतारना होगा, जूता चप्पल, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे उतरा हुआ भी है। तो यहाँ से उतार के उनको अंदर जाना होगा। इससे पहले थोड़ा सा बाहर का व्यू हम आपको दिखा दें, देख सकते हैं इधर सारे विदेशी लोग, ये पार्क टाइप का बना हुआ है, यहाँ लंचिंग वगैरह होता है, लंच वगैरह होता है, इधर सब घूम रहा है। तो देखिए आप लोग को दिखाने के लिए जूता खोल रहे हैं, और जूता खोल के मंदिर में जाएंगे, जूता खोल के रख दिए। तो ये देखिए मंदिर का सीढ़ी है, और यहाँ से चढ़ रहे हैं अब। ये मंदिर का मेन गेट हो गया, और देखिए यहाँ पे इधर से सीन देख सकते हैं आप। ये देखिए कितना अच्छा प्रिंटिंग बनाया हुआ है, पेंटिंग किया हुआ है। और ये देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब और अब देखिए ये मंदिर, भगवान बुद्ध भगवान की देखिए प्रतिमा कितना अच्छा से बना हुआ और कितनी अच्छी से सजाया गया है। इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ के बाद आप कोई भी दर्शक नहीं जा सकता, यहीं तक रहेगा। तो बस यहीं से हम दिखा सकते हैं आपको। और देखिए इस तरह का सीन है। तो गाइज, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बुद्ध भगवान का 80 फीट का मूर्ति और नौलखा मंदिर दिखाने की कोशिश किए, और देखे भी जहाँ तक कि संभव हुआ दिखाएं, यहाँ तक कि मंदिर में जूते खोलकर हमें आना पड़ा और आ करके आप लोग के लिए दिखाएं। तो गाइज, आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा हमें। और अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।